सरकार की कौन सी योजना रह गई है बताने को जो प्रचार हो रहा है, और ये नगर निकाय चुनाव में क्या रहेगा बीजेपी का? आप सरकार की दृष्टि से पूछ रहे हो सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछ रहे हो? दोनों में अंतर है। आपने कहा घर घर पूछा जा रहा, तो सरकार की तरफ से घर घर की कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के अभियान चल रहे हैं जो घर घर जानकारी देने का काम कर रहे हैं, और पार्टी का दायित्व तो भी है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जो सेवाएं हुई हैं उनको लोगों के बीच में बताने की, चर्चा करने की हमारी पार्टी का दायित्व है। वो कार्यकर्ता पार्टी के करते रहते हैं। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान वायरल हो रहा है उससे आप पहले से ही वाकिफ होंगे, क्या लग रहा है वो समुदाय जिस समुदाय को बढ़ाने की बात मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वो समुदाय, और मनोज पांडे जो रायबरेली के ऊंचा आर से विधायक हैं उनका जो समुदाय है, क्या लग रहा है दोनों के बिखराव का देखिए, भारतीय ये जनता पार्टी उनके को कितना उनके फायदा होगा? उनके परिवार का, उनकी पार्टी का, पार्टी के अंदर का इंटरनल मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। मैंने देखा है उनके कदम अगर रायबरेली के ऊंचाहार में पड़े हैं तो ऊंचाहार में भी बंटवारा होता दिखाई पड़ा है, चाहे समाज के बीच में हो चाहे दल के बीच में हो। तो हम राजनीतिक पार्टियां लोगों को जोड़ने के लिए बनती हैं, तोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे उन लोगों को जो लोग बांटने का काम करते हैं कि वो बांटने के बजाय जोड़ने का काम करें, एक सुखद वातावरण रायबरेली और उत्तर प्रदेश को देने का प्रयास करें बजाय तोड़ने के। क्या लग रहा है काशीराम की मूर्ति का अनावरण के बाद जो समुदाय है सपा की तरफ कितना आकर्षित होगा? जब काशीराम जी की पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है जिसके वो संस्थापक थे, और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी। बहन मायावती जी उनके इस कामों से सहमत नहीं हैं, उनकी पार्टी उनसे सहमत नहीं है, उनका कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं है। तो काशीराम जी की मूर्ति लगा देने मात्र से उनको क्या लाभ होगा, ये तो वो जाने क्या लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना समझते हैं उससे कोई उनको लाभ होने वाला नहीं है। अगर उनको करने था तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ करके अगर उसमें किए होते तो मैं मानता कि कोई कार्यकर्ता मुड़ेगा। वहां तो समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता था काशीराम की मूर्ति जी की काशीराम जी की मूर्ति की स्थापना में केवल समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रहे, उसमें भी डिवीजन हुआ है। तो क्या लाभ होगा उसमें, फायदा नुकसान को छोड़ के फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। सपा ने